आदमी के जीवन में धर्म होता है तो वह कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। प्रश्न है, कौन सा धर्म जीवन में होना चाहिए? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, इस्लाम, सिख या और कोई धर्म, कौन सा धर्म जीवन में होना चाहिए? यह एक प्रकार से संप्रदाय की बात है। जैन, बौद्ध आदि आदि संप्रदाय हो गए, इनमें भी धर्म की बात हो ही सकती है, परंतु जीवन में धर्म होना चाहिए। इस संदर्भ में एक सुंदर बात बताई गई है कि धर्म क्या है। अहिंसा संयमो तवो, एक चतुर्थ हिस्सा है श्लोक का। श्लोक के चौथे भाग में, चौथाई भाग में धर्म का सार बता दिया गया है। तीन शब्दों में धर्म का सार आ गया, अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। कि अहिंसा जीवन में रहे, न हिंसा अहिंसा, कि मैं अपनी ओर से किसी भी प्राणी को फालतू जानबूझकर कष्ट न दूं, सब प्राणियों को अपने समान समझूं, आय तुले पयासु सब भूयप भूयस्य, सब प्राणियों को अपने समान समझें। अपने समान कैसे समझें? कि मेरे में चेतना है, आत्मा है, तो दूसरे प्राणियों में भी आत्मा है, चेतना है। मुझे कोई मारे पीटे, कोई चीज चुभाने का प्रयास करे तो कष्ट होता है, तो दूसरे प्राणियों को भी तकलीफ देने से उनको कष्ट होता है, होता होगा। मैं दुख नहीं चाहता, मैं कष्ट नहीं चाहता, मैं सोचता हूँ मुझे कोई दुख न दे, तो मुझे कोई दुख न दे यह मैं चाहता हूँ, तो मैं यह भी सोचूं मैं भी किसी दूसरे को दुख न दूं, कष्ट न दूं। मुझे कोई गालियां दे तो मान लो बुरा लग सकता है, तो आदमी सोचे मैं भी किसी को गाली नहीं दूं। मेरा कोई अपमान करे मुझे अप्रिय लग सकता है, मैं भी किसी का अपमान न करूं। ये आत्मतुला सर्वभूतात्म भूत, सब प्राणियों के समान, अपने समान सब प्राणियों को समझना, तो यह अहिंसा है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। कि यह धर्म का एक सर्वस्व सार है कि अपने लिए जो प्रतिकूल है वह काम दूसरों के लिए हमें नहीं करना चाहिए। हिंसा होती है वहां दुख हो सकता है। हिंसा पशु यानी दुखानी, दुख हिंसा से पैदा हो जाते हैं। जहाँ अहिंसा है वहाँ शांति है, सुख है। शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। हिंसा के रास्ते पर चलने से दुख पैदा हो सकता है, तो यह अहिंसा धर्म
हमारे जीवन में होना चाहिए। दूसरी चीज है, दूसरा धर्म है संयम, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने पर अपना अनुशासन। हम अपनी वाणी पर संयम रखें, जबान पर लगाम रखें। ज़्यादा आदमी को बोलना नहीं चाहिए, वाणी का संयम रखना चाहिए। बोलना है तो सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, मा ब्रूयात, सत्यमप्रियम, प्रियमपि नानृतम ब्रूयात। एष धर्म है सनातन है कि बोलना है तो सच बोलो, प्रिय बोलो, और ऐसा सत्य भी मत बोलो फालतू जो अप्रिय हो, कटु हो। ऐसा प्रिय भी मत बोलो जो झूठ बात वाला हो। यह शाश्वत धर्म है, आत्मकल्याणकारी धर्म है। तो वाणी पर आदमी कंट्रोल रखे कि जहाँ तक हो सके गृहस्थ आदमी भी झूठ बात न कहे। हर सच बात भी बोलना जरूरी नहीं है। अनेक सच बातें हम जानते हैं, हर सत्य को बोलना आवश्यक नहीं। बोलने में हमारा विवेक रहे और लगे सच बात है, पर सच बात बोलना ठीक है पर बोलने का साहस नहीं है तो मौन हो जाओ, मत बोलो। झूठ बोलने की अपेक्षा तो मौन रखना ठीक है। तो वाणी पर हमारा कंट्रोल हो और ज्यादा नहीं बोले आदमी, मुखर वाचाल न बने। तो यह वाणी का संयम, शरीर का भी संयम रखे, मन का संयम रखे। मन में बुरे विचार नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। शरीर का भी संयम, मन का भी संयम, वाणी का भी संयम कि बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत, बुरा काम करो मत, बुरा किसी का भी सोचो मत। बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा काम करना नहीं, बुरी बात दिमाग में सोचना नहीं। अच्छा बोलें, बोलें तो अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा कार्य करें और अच्छा सोचें, सब अच्छा अच्छा करें। तो इस प्रकार जीवन में संयम होना चाहिए और इंद्रियों का भी संयम, अपने इंद्रियों का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहिए। तो अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तीसरा तप, तपस्या धर्म है। तपस्या अनाहार के रूप में भी होती है, उपवास, बेला, तेला, 3 दिनों तक खाना पीना नहीं, 8 दिनों तक खाना पीना नहीं, 1 महीने तक खाना नहीं खाना, और भी स्वाध्याय आदि अनेक रूपों में तप हो सकता है। तो जीवन में तपस्या होनी चाहिए। यह धर्म का प्रचार करना यह भी एक प्रकार की तपस्या है। यात्रा करना अहिंसा के साथ, धर्म का प्रचार करना भी एक तपस्या है। हमारे गुरु आचार्य श्री तुलसी जो महाराष्ट्र में तो पधारे थे, उन्होंने अणुव्रत आंदोलन को आगे बढ़ाया। छोटे छोटे नियम जीवन में आ जाएं, जैसे मैं नशा नहीं करूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं निरपराध बड़े यों प्राणियों की हत्या नहीं करूंगा, मैं पर्यावरण के प्रति जागरूक रहूंगा, ऐसे छोटे छोटे नियम जो आचार्य श्री तुलसी ने चलाए थे, बढ़ाए थे। और फिर हमारे गुरु और आचार्य तुलसी के उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी भी महाराष्ट्र में तो पधारे थे। वे प्रेक्षा ध्यान
मेडिटेशन कराया करते थे, शिविर भी लेते थे। आदमी मेडिटेशन योग के द्वारा मन पर कंट्रोल करे, भीतर में जाने की चेष्टा करे, साधना करे, तो यह तपस्या है। ध्यान करना भी तपस्या है, स्वाध्याय करना भी तपस्या है, खाना पीना छोड़ना भी तपस्या है, और यूँ अनेक रूपों में तपस्या हो सकती है। और हमारे साधु लोग पद यात्रा पैदल चलते हैं, अच्छी तरह नियम विधि के साथ पैदल चलना, वह पैदल चलना भी तपस्या है। हजारों किलोमीटर की पद यात्रा कर ली जाती है, तो यह विधि पूर्वक चलना, यात्रा करना भी अपने आप में एक तपस्या हो जाती है। तो यूँ अहिंसा, संयम और तप, ये तीन चीज़ें जीवन में हो। संयम है, संयम रखना है तो नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीली चीज़ों के सेवन से आदमी बचे। और यह नशा जो दुर्दशा करने वाला कहा जाता है, तो आदमी असंयम न करे, नशे की गिरफ्त में न जाए। आज कितनी चीज़ें नशीली, ड्रग्स क्या, शराब क्या, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि आदि जो चीज़ें अहितकर हों, उनके सेवन से आदमी को बचना चाहिए। और यह एक संयम है कि जिंदगी में नशा नहीं करना, खान में, भोजन में भी अभक्ष्य का भक्षण नहीं करना। एक कार्यक्रम हो रहा था, मंच पर कई महानुभाव विशिष्ट अतिथि वक्ता बैठे थे, तो जो कार्यकर्ता लोग थे, उन्होंने जो मंच पर बैठे हुए लोग थे उनके सामने शराब की बोतलें रख दी, शराब की बोतलें लगा दी। पानी की बोतलें तो मान ले, फिर भी गर्मी है, रख दिया लोग, शराब की बोतलें रख दी। एक दार्शनिक आदमी मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित था, वह भी आया था। उसने देखा, रे शराब की बोतल मेरे पास क्यों रखी गई है, मैं तो शराब का सेवन करता नहीं हूँ, मेरे पास में शराब रहे ही क्यों। तो उसने पास में मिट्टी पड़ी थी, वो शराब को मिट्टी में गिरा दिया। कार्यकर्ता बोले, सर यह क्या किया, बहुत कीमती शराब हमने रखी थी, आपने पी नहीं, नीचे गिरा दी, मिट्टी में मिला दी। तो दार्शनिक बोला, अगर मैं शराब को मिट्टी में नहीं मिलाता, पी लेता, तो शराब मेरे दिमाग को मिट्टी में मिला देती, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता, तो मैंने शराब को ही मिट्टी में मिला दिया। तो ये नशीली चीज़ें हैं। विद्यार्थी बच्चे जो ड्रग्स के सेवन में पड़ जाएं और लत पड़ जाए, तो लत पड़ने के बाद छोड़ना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये संयम की चेतना जीवन में रहे। हमारे यहाँ अनुव्रत गीत में कहा गया, संयम मय जीवन हो, संयम मय नैतिकता की सुर सरिता में, जन जन मन पावन हो, संयम मय विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी बने नीतिमय जीवन चर्या सारी, कथनी करनी की समानता में गतिशील चरण हो, संयम मय नैतिकता की
किशोर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम मय। तो जीवन में संयम आए, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कि जीवन में संयम आएगा तो जीवन अच्छा रह सकेगा, आत्मा अच्छी रह सकेगी। तो जीवन में नशा मुक्ति, किसी तरह का नशा न हो, और ईमानदारी, व्यापार धंधा लेन देन जो भी आदमी करे उसमें ईमानदारी रखने का प्रयास हो। झूठ और चोरी से जितना बचा जा सके गृहस्थों को भी बचने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए, कि किसी के बारे में भी झूठ बात नहीं करना, जितना हो सके झूठ से बचने का प्रयास, चोरी नहीं करना, दूसरे की वस्तु है उसको उठाने का लेने का प्रयास नहीं करना। इस रूप में जीवन में ईमानदारी रहे, और यह अहिंसा सद्भावना। जातियां, संप्रदाय, भाषा बहुत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं। जाति, संप्रदाय, भाषा, इनके भेदों के आधार पर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, लड़ाई झगड़ा, फालतू, इन चीजों में आदमी को नहीं जाना चाहिए। एक ही गांव में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हो सकते हैं। बाजार में दुकानें हैं, अलग अलग लोगों की अपनी दुकानें हो सकती है। मुसलमान की भी दुकान, हिंदू की दुकान, जैन की, कितनी कितनी दुकानें, तो ठीक है सब मैत्री भाव से रहो, लड़ाई झगड़ा करने से बचे, भी अपना अपना धर्म है, अपना अपना विचार है, इनको लेकर लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, मार काट, हिंसा हत्या, इन चीजों में आदमी को नहीं जाना चाहिए। तो गांव में शांति रहे, मैत्री रहे, तो ऐसा माहौल रहना चाहिए। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, अनेकता में भी एकता रहे। भारत में कितनी भाषाएं हैं, भारत में इतनी भाषाएं हैं, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम आदि आदि, तमिल, कितनी कितनी भाषाएं हैं। एक देश में अनेक भाषाएं हैं, और भारत में कितने धर्म के लोग हैं, संप्रदाय के, जैन, बौद्ध, सनातन, वैदिक, ये और हिंदू कह दें, मुसलमान, कितने धर्म के लोग हैं, कितनी भाषाएं, कितने धर्म, कितनी जातियां, इन भेदों के होने पर भी आदमी शांति में रहे, मैत्री भाव रखे, गांव में, नगर में, जहां रहे मैत्री भाव रहे, तो यह मैत्री भावना हम सब में रहे, अहिंसा की भावना रहे, नैतिकता रहे, गृहस्थों में नशा मुक्ति भी रहे। साधु में तो नशा मुक्ति की विशेष बात है, गृहस्थों में भी नशा मुक्ति रहे, सद्भावना रहे, ये अच्छे मूल्य, अच्छे गुण आदमी के जीवन में होते हैं तो आदमी की आत्मा अच्छी रह सकती है, जीवन अच्छा रह सकता है, आदमी कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है।